हेलो एवरीवन, कैसा का है। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा 29 जनवरी को शिफ्ट वन में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का एनालिसिस। और अगेन मैं इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको ये बता दूंगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी शूट कर रखा है, जो कि ट्रिक्स का पूरा वीडियो लेक्चर है। और मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा, तो आप वहाँ पर जा करके क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। तो जैसे क्वेश्चन नंबर वन जो है वो डी ब्लॉक से रिलेटेड था कि KMnO4 को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा ऑप्शन। तो एक तो देखो कैसे ट्रिक से जाते हैं, KMnO4 को हीट कर रहे हैं अगर तो डेफिनेटली KMnO4 तो बचेगा नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन वगैरह है नहीं, तो वाटर वाला पार्ट हो नहीं सकता, राइट। तो इसलिए ऑप्शन बी बचेंगे, ऐसे भी थिंक कर सकते थे। बाय द वे इसका एग्जैक्ट ये रिएक्शन मैंने लिख रखा अपने ट्रिक्स वाले वीडियो लेक्चर में कि जब KMnO4 को हीट करते हैं तो ये +7 से +6 में एंड +4 में जाते हैं। तो +6 वाला ये है और +4 वाला ये है, तो इसलिए ऑप्शन बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, अगेन ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर में एल्कीन #2 वाले वीडियो लेक्चर में शूट कर रखा है और बता रखा है कि कैसे करना होता है। जब अगर आप एल्कीन की रिएक्शन हैलोजन से कराएंगे तो अगर लाइट के प्रेजेंस में होगा तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। एलाइलिक बोले तो ये वाला पोजीशन या ये वाला पोजीशन एलाइलिक है, तो इसलिए ए जो होगा आपका वो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की वजह से डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करना, हैलोजन यहाँ पर आ जाएगा। और जहाँ तक रही बात बी की, तो यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो डबल बॉन्ड पर एडिशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलेंगे, तो यहाँ पे आपका दोनों क्लोरीन आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपका बी प्रोडक्ट। एग्जैक्ट ऐसी रिएक्शन हमने वीडियो लेक्चर नंबर टू एल्कीन में ले रखा है ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में। वैसे ही क्वेश्चन नंबर थ्री, ये ईथर से रिलेटेड है जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक ही वीडियो लेक्चर हमने बनाया है और उसमें यह डिस्कस कर रखा है कि जब आप HBr एक्सेस से कराएंगे तो जब भी बेंजीन से O अटैच होगा तो बेंजीन को ही O मिल जाएगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना है, राइट। तो इसको H मिल जाएंगे और इसको Br, तो OH आ जाएगा, तो ये Br वाला पार्ट और ये Br वाला पार्ट तो हो नहीं सकता, ऐसे आप जा सकते हो, राइट। क्यों? क्योंकि जब OH आएंगे तो यहाँ से रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, तो जो कि ब्रेक नहीं हो सकता, राइट। तो इसलिए ऑप्शन बी या सी होगा। नाउ HBr चूँकि हमने एक्सेस में ले रखा है तो यहाँ पे H प्लस मिलेगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटन ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो इसलिए Br इस पोजीशन पे आएगा, तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे लास्ट वाले कारण पे, तो ये नहीं हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन सी। तो ये तीनों क्वेश्चन जो 29 जनवरी को आए हैं, इन तीनों क्वेश्चन का कंसेप्ट रवि सर ने अपने ट्रिक्स वाले वीडियो लेक्चर में दे रखा है, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर, विच कंटेन ब्रीजिंग कार्बोनिल। तो ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 6 में डिस्कस कर रखा है, अब वहाँ पे जा कर के देख सकते हो। तो ध्यान से देखो, इस वाले में तो ब्रीजिंग की बात ही नहीं हो सकती क्योंकि एक ही सेंट्रल एटम है, यहाँ भी हो ही नहीं सकता, तो ये दो ऑप्शन गए, राइट। ये सब ट्रिक्स मैं बता रखा हूँ, इन दोनों में से कोई होगा। तो यहाँ पे MnMn के बीच एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका EN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, फिक्स हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी में होता है, इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर भी मैं ड्रॉ कर रखा हूँ, वहीं से ये क्वेश्चन है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर फाइव में KMnO4 I- की रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में करेंगे, तो आपको बता रखा हूँ अगेन डी ब्लॉक में KMnO4 वाले वीडियो लेक्चर नंबर थ्री में जाकर के आप देख सकते हो। ये एग्जैक्टली ये ट्रिक है कि अगर आप हेलोजन X- से कराएंगे तो पहले तो I2 बनेगा, बट बेसिक मीडियम में होने की वजह से आयोडीन नॉन मेटल डिसप्रोपोर्शनेशन शो करते हैं, तो फिर ये किस में चला जाएगा, IO3- में, जहाँ पे ये +5 में होता है, क्योंकि आयोडीन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट में 5 हो सकता है। तो ऑप्शन सी, ये पूरा मैं डिस्कस कर रखा हूँ, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफेक्ट अकर बिटवीन लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड। लोन पेयर और पाई बॉन्ड में क्या होगा, तो डेफिनेटली आपको मालूम ही है कि जैसे मान लो ये NH2 लोन पेयर है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, तो लोन पेयर सिंगल डबल से रेजोनेंस हो जाएगा, राइट। ऑप्शन सी, ये GOC1 में वीडियो लेक्चर नंबर थ्री में ट्रिक्स बता रखा हूँ कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस होता है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ΔG 0 होगा तो रिवर्सिबल, करेक्ट है ये, ΔG- तो स्पॉन्टेनियस, ΔG+ तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो वैसे भी हमें क्लियर था बी या डी में से कोई होगा, चूँकि ΔG+ होगा तो स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वाला इनकरेक्ट है। ये भी थर्मोडायनेमिक्स में वीडियो लेक्चर नंबर 6 में मैं डिस्कस कर रखा हूँ, तो
मैं ये सब रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ बेटा, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि सच में रफ़ी सर ने अपने ट्रिक्स वाले वीडियो लेक्चर में जो चीज़ें बता रखी हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन वहीं सबसे हैं, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, इसलिए आप उस लेक्चर को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में इस टाइप से ये तीन रिएजेंट गिवन थे सीक्वेंस में, प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहले H2O H+ है, इसके बारे में ट्रिक एल्कीन में वीडियो लेक्चर नंबर 3 में दे रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटन ज़्यादा स्टेबल होगा राइट, तो यहाँ पे OH आ जाएंगे, तो पहले केस में आपको ये मिलने वाला है राइट। उसका दूसरे केस में CrO3H+ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे जो H है वो OH में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर बाहर चला जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएंगे राइट, उसका क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल था। उसके बाद NH2, तो इसका ट्रिक में रिडक्शन में वीडियो लेक्चर नंबर 2 में दे रखा हूँ, नहीं नहीं वुल्फ ने कृष्णा को बोला अल्डिहाइड कीटोन होगा अकेला, तो यहाँ पे एल्केन बनाने का ये मेथड है, तो एल्केन यहाँ पे यही था, बाकी ये सब तो हो ही नहीं सकते राइट। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट टाइप था कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन ए पीरियड, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि पीरियड में बात करें तो डेट मीन्स लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है, तो इंक्रीज होता है, तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2, इन ए पीरियड जेड डोमिनेंट्स, जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डोमिनेट करता है स्क्रीन इफेक्ट पे, यस करेक्ट है ये, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ये वीडियो लेक्चर नंबर 5 में पीरियोडिक टेबल में बता रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो K2Cr2O7 की रिएक्शन H2O2 से इन प्रेजेंस ऑफ H+ और लो टेम्परेचर पे कराएंगे, तो क्या मिलेगा, इसका मैट्रिक डी ब्लॉक में K2Cr2O7 में दे रखा हूँ, और यहाँ पे चूंकि H2O2 से CrO5 ब्लू कलर का एक कंपाउंड बनता है राइट, जहाँ पे क्रोम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम 6 हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन 1 होंगे। इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, जो आपको बता रखा हूँ कि इस टाइप से आपको करना पड़ेगा, पर ऑक्सी लिंकेज होते हैं, वहाँ पे मैं बता रखा हूँ, अब जा कर के वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि रेडॉक्स में वीडियो लेक्चर नंबर 2 में इसका ट्रिक दे रखा हूँ, आप कैसे करेंगे ध्यान से देखें, यहाँ पे बेसिक मीडियम में करना है, तो यहाँ पे क्लोरीन 0 में है, यहाँ -1 में आया, यहाँ 0 से +1 में आया, तो सबसे पहले आप सेपरेट कर लें Cl2 Cl- में और एक बार Cl2 ClO- में राइट, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन तो 2 Cl- 2- माइनस, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 क्लोरीन तो अगेन 2 Cl करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन हो गया तो मुझे इधर 2 वाटर करना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन हो गए तो इधर 4H+ करना पड़ेगा, बट द थिंग इज कि मुझे बेसिक मीडियम में करना है, तो जितना H+ किया हूँ उतना ही OH- करेंगे, उससे पहले इधर मैं 4OH- ऐड करता हूँ तो इधर भी 4OH- ऐड कर दूंगा, तो ये 4H+ 4OH- 4 वाटर, 2 वाटर चला जाएगा तो इधर 2 वाटर बचेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, Cl2 4OH- 2 ClO- और 2 वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन को बैलेंस करने में इधर 4 माइनस है, इधर 2 ही माइनस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, अब इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो Cl2 2 Cl2 हो जाएंगे राइट, और जो OH- है आपका वो 4OH- गिव्स यू, उसके बाद क्या बचा ध्यान से देखो इधर में, तो इधर में आपका 2ClO, इधर 2Cl- 2Cl- 2ClO- राइट, और 2H2। अब यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो 2 सम में कॉमन है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोफिशियंट 1, इसका 2, इसका 1, इसका 1 हो जाएगा, तो इसलिए X मेरा क्या हो जाएगा 1, Y हो जाएगा 2, Z हो जाएगा 1 और P हो जाएगा 1, इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में RB का एटॉमिक नंबर गिवन था सेट ऑफ क्वांटम नंबर, तो इसका मैट्रिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में वीडियो लेक्चर नंबर 3 में बता रखा हूँ, यहाँ पे 37 है, तो आप कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 37, तो इसी लास्ट वाले का पूछा है, तो s है तो L भी 0 होगा, M भी 0, ऐसा एक ही ऑप्शन था ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है राइट, प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछे गए, तो ये इजी था। पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, इसका ट्रिक्स मैं ऑल टेस्ट एट वन प्लेस करके एक वीडियो लेक्चर बना रखा हूँ, वहाँ पे दे रखा हूँ, फेलिंग टेस्ट सिर्फ एरोमेटिक जो अल्डिहाइड होते हैं वो शो नहीं करते हैं, तो ये नहीं करेगा, ये अल्डिहाइड कर जाएगा, ये भी अल्डिहाइड कर जाएंगे, अगेन ये एरोमेटिक है तो ये नहीं करेंगे, ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये बेंजीन रिंग नहीं था, तो ये भी कर जाएंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 राइट। क्वेश्चन नंबर 14,
वन लोन पेयर सेंट्रल एटम पे होना चाहिए इंटीजर टाइप में। ये केमिकल बॉन्डिंग में वीडियो लेक्चर नंबर वन में बता रखा हूँ। CLF3 में यहाँ पे दो लोन पेयर होगा तो ये नहीं हो सकता। XZO3 में एक लोन पेयर हो जाएंगे। BRF5 में भी एक लोन पेयर हो जाएगा क्योंकि पांच बॉन्ड बना तो एक लोन पेयर बचेगा। XZF4 में दो लोन पेयर होंगे तो ये नहीं होगा। O3 में हो जाएगा राइट, इसका आपको बता रखा हूँ, एक लोन पेयर बचेंगे। NH3 में भी एक हो जाएगा तो वन टू थ्री फोर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर राइट। क्वेश्चन नंबर 15 में बॉन्ड ऑर्डर वन होना चाहिए, पैरा मैग्नेटिक भी होना चाहिए। तो इसका ट्रिक्स मैं केमिकल बॉन्डिंग में वीडियो लेक्चर नंबर टू में दे रखा हूँ, MOT वाले में। पहले तो पैरा मैग्नेटिक चेक कर लें, तो जितने भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो पैरा मैग्नेटिक नहीं होते हैं 10 और 16 को छोड़ करके। तो यहाँ पे देखो चार में से दो गया तो दो, तो ये नहीं होगा पैरा मैग्नेटिक। ये 16 टू 18 तो ये भी नहीं होगा राइट। ये भी आपका 20 में से दो गया तो 18, ये भी नहीं होंगे। F2 18 ये भी नहीं होंगे। B2 यही 10 वाले एक्सेप्शन वाले, तो ये पैरा मैग्नेटिक होगा। H2 भी नहीं होगा। O2 2 प्लस भी नहीं होगा। सब में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्ट ट्रिक बता रखा हूँ। तो B2 हो सकता है और इसमें बॉन्ड ऑर्डर भी 1 है आपका राइट। तो इसलिए आंसर यहाँ पे इंटीजर टाइप में 1 होगा। तो ये सारे बेटा ये बताने के लिए है कि ये ऑलरेडी आप देखो तो एग्ज़ाम होने से पहले पहले मैंने सारे वीडियो लेक्चर शूट कर लिए हैं और सबका ट्रिक्स जो है वह रफ़ी सर के वीडियो लेक्चर में है। इसीलिए केमिस्ट्री में अगर आप चाहते हो कुछ एफर्ट नहीं डालना है, सब कुछ ईजी हो जाए, तो बस पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से कर लो। वेरी सिंपल है, वेरी शॉर्ट है और वेरी इफ़ेक्टिव है। 16 में मोलरिटी सॉल्यूशन का निकालना था। परसेंटेज वेट बाय वेट आपको गिवन था, मॉलिकुलर वेट भी गिवन था सॉल्यूट का और डेंसिटी गिवन है। तो इसका ट्रिक्स मैं सॉल्यूशन में वीडियो लेक्चर नंबर 1 में बता रखा हूँ। यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है, तो अगर मैं सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम लेता हूँ तो उसमें 36 ग्राम सॉल्यूट हो जाएंगे राइट, और 64 ग्राम कौन हो जाएगा, सॉल्वेंट। हमें क्या निकालना है, मोलारिटी कैपिटल M। तो मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मास आपको 36 ग्राम और मॉलिकुलर वेट भी 36 ही है, तो मोल्स 1 हो गए। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में, ये ध्यान रहे। अब वॉल्यूम निकालने के लिए जो डेंसिटी होता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। मास कितना, 100 ध्यान रहे ग्राम में, और डेंसिटी कितना है ध्यान से देखो, 1.5 ग्राम पर ml, तो ये ml में आएगा। इसको हमें लीटर में ले जाना है तो राइट, तो लीटर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो 1/100 ये 100 हो जाएंगे, ऊपर में चला जाएगा तो वो 1.5 × 1000, तो ये 20 से 20 कैंसिल, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा आपको 15। इंटीजर टाइप में पूछे गए थे। 17 का ट्रिक मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वीडियो लेक्चर नंबर 2 में दे रखा हूँ। यहाँ पे करंट गिवन था, टाइम गिवन था, मास ऑफ जिंक डिपॉजिट पूछा था, तो हमने बता रखा है करंट टाइम गिवन हो तो आप डायरेक्ट इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। IT तो I हो गया 0.015 एम्पियर में, टाइम जो है वो 15 मिनट है तो सेकंड में ले गया, डिवाइडेड बाय 96500, तो ये आपको इक्विवेलेंट आ गया। इक्विवेलेंट और कैसे निकाल सकते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर से। यहाँ पे जिंक प्लस 2 में राइट, जिंक प्लस 2 से 0 में जाएगा राइट, तो दो इलेक्ट्रॉन का तो 2, तो यहाँ से मोल्स आ जाएंगे, तो मोल क्या होता है, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट यहाँ पे जिंक के केस में, तो इसलिए वेट आपका कैसे आ जाएगा, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मोल्स आपको कितना आ रहे हैं, 0.015 × 15 × 60/96500 डिवाइडेड बाय 2 और इंटू में जो भी इसका होगा 65.4 जो भी गिवन था राइट। ध्यान रहे ये ग्राम में आएगा, हमें मिलीग्राम में पूछा गया था तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन का ट्रिक्स मैं ऑलरेडी दे रखा हूँ और इसका आंसर अप्रॉक्स इंटीजर टाइप में 5 आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 इसका ट्रिक में सॉल्यूशन में वीडियो लेक्चर नंबर 3 में दे रखा हूँ। यहाँ पे था कि अगर 273 केल्विन टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है तो 283 पे कितना होगा, तो वेरी सिंपल, पाई जो था वो I × C × R × T था। यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर का इन्फॉर्मेशन है, डैट मीन्स ये सब चीज़ क्या हो जाएंगी, कॉन्स्टेंट, तो वी कैन राइट कि π1/T1 = π2/T2। आपको π1, π2, T1, T2 गिवन है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 73 राइट। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 19 ये केमिकल इक्विलिब्रियम में वीडियो लेक्चर नंबर 1 में दे रखा हूँ ट्रिक कि अगर ये रिएक्शन है KP गिवन है तो KC, तो KP = KC × RT की पावर
डेल्टा एन जी के पी आपको गिवन है 36 इंटू 10 की पावर माइनस 2 के सी निकालना था, आर 1/12 लेना है अप्रॉक्स कैलकुलेशन करने के लिए। टेम्परेचर गिवन था 300 केल्विन या आर की वैल्यू 0.08 भी ले सकते हो जो क्वेश्चन में गिवन होगा। डेल्टा एन जी ध्यान से देखो 1 है इधर, इधर 2 है तो माइनस 1, तो ये सब पुट कर दोगे तो के सी अप्रॉक्स में आ जाएगा आपको 9 इंटीजर टाइप में। तो बेटा ये 19 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि बस यही थे, ये तो मेमोरी बेस्ड है, और भी क्वेश्चन थे जो हमारे ट्रिक से इजीली हो रहे हैं, आप देख सकते हो जिसके पास भी जिस शिफ्ट में आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो लेक्चर बनाने का मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चन हैं मेंस में पूछे गए उन सब का ट्रिक ऑलरेडी सर ने कैप्चर कर रखा है अपने वीडियो लेक्चर में। जिसको केमिस्ट्री में कुछ एफर्ट नहीं डालना है वो सारे वीडियो लेक्चर को अच्छे से फॉलो कर ले, उनके कंसेप्चुअल ट्रिक्स के जो पॉइंट हैं उनको अच्छे समझ ले, तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली हो सकते हैं। थैंक यू।